अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास सोशल स्टडीज़ की बुक्स खोलें। चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ है, पेज नंबर 41। कॉटन आज हमने पढ़ना है। कॉटन इज़ वन ऑफ द मेन कैश क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान। इट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट कमोडिटी। कॉटन कल्टिवेशन रिक्वायर्स अ लॉन्ग फ्रॉस्टी टाइम, मॉडरेट रेन एंड कॉन्स्टेंट सनशाइन। The soil suitable for it is fairly heavy with moderate level of nutrients. A large proportion of cotton is grown in areas with less rainfall, obtaining water from irrigation. The production for a given year mostly starts just after harvesting the autumn crops. Cotton seeds are also pressed to extract edible oil. This oil is used in cooking or in some industrial process. After oil extraction, remains of these seeds are used as feed for cattle. 3/4 of the cotton of Pakistan is grown in the province of Punjab, whereas the remaining is grown in Sindh. जी, यहाँ तक डेट लगा लें। इसमें मेन बातें ये बताई गई हैं कि कपास पाकिस्तान की एक अहम कैश क्रॉप है और इसकी कटाई के लिए मुनासिब सर्दी, बारिश और सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ आबपाशी के ज़रिए से काश्त किया जाता है। कपास के बीजों को दबाकर तेल निकाला जाता है। यही तेल जो है ये कुकिंग ऑयल के तौर पे यानी खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इंडस्ट्रीज के कामों में भी इस्तेमाल किया जाता है। जब ये बीजों से तेल निकाल लिया जाता है तो बाकी जो जिसे हम कहते हैं भूसा सब बच जाता है ना, वो कैटल्स के खाने के लिए काम आता है, यानी मवेशियों को उससे खुराक दी जाती है। तकरीबन 3/4 हिस्सा जो है ये पंजाब में काश्त किया जाता है कपास का, बाकी जो रह जाता है वो सिंध में काश्त होता है। आप अच्छी तरह इसकी रीडिंग करें, कल मैं आपको इसका होमवर्क दूँगी क्वेश्चन नंबर 2 का। अल्लाह हाफिज़।